नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जब से दुनिया में आया है तब से लोगों का काम बेहद आसान हो गया है। हालांकि कुछ लोग आने वाले समय में इसकी बढ़ती लोकप्रियता को खतरा भी मान रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पूरी तरह से दुनिया पर छा जाने के बाद इससे कई कारोबार ठप हो सकते हैं, यानी बेरोजगारी बढ़ने की संभावना बहुत अधिक है। और इसका सबसे ज्यादा असर कहीं पड़ेगा तो वो मीडिया सेक्टर पर होगा, क्योंकि जिस तरह से एआई के द्वारा वॉइस ओवर से लेकर डिजिटली एंकर्स बनाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये खतरा और बढ़ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि दुनिया के दिग्गज व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ इसको लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। और इन्हीं तमाम खबरों के बीच एक लेखक काफी वायरल हो रहा है। आखिर क्या कारण है, क्यों वायरल हो रहा है ये लेखक, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि उसके द्वारा लिखे गए अब तक के उपन्यास में ऐसा क्या है जिसे एआई के लिए बेहद खतरा माना जा रहा है, और क्यों जरूरी है उस लेखक के लिखे हुए नियम, और क्या है ये नियम, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल एआई की तमाम खबरों के बीच विज्ञानी फतासी लेखक अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं। उनकी कहानियों के बताए गए सिद्धांतों को अपनाने की बातें हो रही हैं। इस लेखक का नाम है आइजैक असिमोव। दरअसल आइजैक असिमोव रूस में पैदा हुए थे। वो अपना जन्मदिन 2 जनवरी 1920 के मुताबिक मनाते हैं, हालांकि उनकी जन्मतिथि का सही रिकॉर्ड आज तक नहीं है, और जूलियन और यहूदी कैलेंडर में अंतर की वजह से ये तारीख स्पष्ट नहीं हो सकी। कहा जा रहा है कि उनका परिवार बाद में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आ गया था, जहां उनके परिवार की किताबों और मैगजीन की एक दुकान थी। पहले तो आइजैक ने छोटी छोटी किताबों को पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी हो गई और यहीं से उनके लेखक बनने का सफर भी शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि इसमें लेखक और एआई से क्या संबंध है, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दरअसल आइजैक असिमोव अमेरिकी विज्ञान फंतासी लेखक और बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जिनकी कहानियां और उपन्यासों को बहुत सराहना मिली थी, और आज भी उनकी कहानियां दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती हैं, जिनमें एलन मस्क जैसे बड़े व्यवसायी भी शामिल हैं। उनकी कहानियों में उनके भविष्य को लेकर भी कल्पना के लोग बहुत कायल रहे हैं, जिनमें से कई सच होती दिख रही हैं। आइजैक असिमोव 1960 के दशक में बहुत अधिक सुर्खियों में आए थे, जब उनकी किताबें खासतौर पर जो विज्ञान फंतासी से संबंधित थी खासी लोकप्रिय हुई थी। 6 दशकों के बाद असिमोव फिर से चर्चा में है। उनकी कहानियों में कई ऐसे नियम और बातों का जिक्र है जो आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित बन रहे नियमों और कानूनों को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शुरू से ही उनसे खासे प्रभावित रहे हैं। दरअसल दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब से भविष्य की तकनीक के तौर पर देखा जाने लगा और उसे कल्पनाओं को साकार करने के माध्यम भी माने जाने लगा, उसी समय असिमोव की कहानियों और उपन्यासों ने भी लोगों का ध्यान खींचा था, क्योंकि उनमें भी इन तकनीकों का किसी ना किसी प्रकार का समावेश था। असिमोव की कई कहानियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमों का भी उल्लेख है, जिनके बारे में कई विशेषज्ञों का उसी समय से मानना था कि उनकी जरूरत देर सवेर जरूर पड़ेगी। इसमें सबसे मशहूर रोबोट के लिए 3 नियम हैं, जिन्हें कानूनी तौर पर स्वीकार करने तक की बहस होती है। दरअसल असिमोव की कहानी की एक सीरीज आई रोबोट में उन्होंने रोबोटिक्स के 3 स्पष्ट कानूनों का जिक्र किया था। पहले के मुताबिक रोबोट कभी अपनी गतिविधियों या निष्क्रियता के कारण इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरे नियम के अनुसार रोबोट को इंसानों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना होगा जब तक कि पहले नियम का उल्लंघन न हो। वहीं तीसरा नियम कहता है कि रोबोट खुद के अस्तित्व की रक्षा करेगा जब तक कि उससे पहले और दूसरे नियम के उल्लंघन ना हो। अब इस कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। असल में जिस तरह से तकनीकें मानव अंतर क्रियाओं में गहरा दखल देने लगी हैं, तो अब जरूरत महसूस होने लगी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्यापक नियम कानून बने, जिसे समाज में उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। आपने सुना होगा कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने एआई नियम संबंधी कानून बनाने पर सहमति जताई है, जो संभवतः अगले साल तक लागू हो जाएगी।
हालांकि वैसे तो असिमोव की कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी भविष्य की कहानियां और उपन्यास अधिक प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1941 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से रसायन शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और 1948 में बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट प्राप्त की, लेकिन इसके बाद उन्होंने लेखन कार्य रखते हुए कई कार्य किया था। विज्ञान फंतासी के साथ उन्होंने कई विषयों पर गैर काल्पनिक किताबें भी लिखी थीं। 1992 में 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और आज AI के द्वारा उनको फिर से याद किया जा रहा है। उनके नियम AI में फिर से लागू किए जाने के बारे में विचार किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टोरी हाउ।